सभी को तहे दिल से शुक्रिया अदा मेरा। तो जो कॉन्फ्रेंस है हम लोग अलमुनाई मीट के लिए जो है, अभी तक जहाँ तक हमको बताया गया कि जो भी अलमुनाई मीट हुआ करते थे डिपार्टमेंटल लेवल पर, एक आध बार कभी यूनिवर्सिटी लेवल पर हुआ, तो बहुत दो बार छोटे स्तर पर हुआ जहाँ पर कि 200-400 आदमी जुटे, सभी ने जल्दी जल्दी बाजी में किया गया। इस लार्ज स्केल में अभी तक अलमुनाई मीट नहीं हुआ था। अब जहाँ तक अलमुनाई मीट का सवाल है, अब जानते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ अलमुनाई पर बहुत डिपेंड करता है। हमारे विश्वविद्यालय के अलमुनाई डिफरेंट क्षेत्र में, चाहे अपना कंट्री हो या वर्ल्ड वाइड हो, हर फील्ड में एक ज़माना ऐसा था कि इसे कम्पीट करते थे। आज भी हमारे चीफ सेक्रेटरी जो बिहार के यहीं के हैं, हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के यहीं के हैं, बहुत जगह जितने भी ब्यूरोक्रेसी में हैं, पॉलिटिक्स में जाएं तो आपके चीफ मिनिस्टर भी यहीं के हैं, आपके रविशंकर प्रसाद, सुशील मोदी, अश्विनी चौबे जो सेंटर में हैं सब यहीं के हैं, हमारे लालू प्रसाद जी यहीं के हैं, और बहुत सारे इस तरह से सीनियर्स पॉलिटिशियन जो यहाँ से निकले हैं जो वहाँ पर हैं। और आज जो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, हम लोग कोशिश की अलमुनाई की ही देर है, एक तरह से चीफ मिनिस्टर हमले अलमुनाई हैं, मैंने उनसे बात किया कि आप यहाँ पढ़े हैं, यूनिवर्सिटी की स्थिति ये है, उन्होंने चीज़ों को समझा और हम लोग के प्रोजेक्ट को सैंक्शन किया। इस तरह से रिसर्च प्रोजेक्ट भी UGC के जो डायरेक्टिव है उसके अनुसार हम लोग रिसर्च डेवलपमेंट सेल ओपन किए हैं यहाँ पर। उसमें है कि आप CSR के थ्रू, अलमुनाई के थ्रू आप रिसर्च फंड डेवलप करें और जो उस फंड से रिसर्च को आगे बढ़ाए। स्टार्टिंग में हम लोगों ने 2 करोड़ रुपए यूनिवर्सिटी से ट्रांसफ़र किए हैं, उसमें से हम लोग 5 लाख रुपए सारे टीचर्स जो रिसर्च करना चाहते हैं उनको दे रहे हैं। और ये जो अलमुनाई मीट होगा, इसको हम प्रपोजल रखेंगे अपने अलमुनाई के सामने में कि हम लोग क्या रिसर्च सेल जो है उसको डेवलप करने के लिए आपकी मदद की ज़रूरत है। हम लोग चाहते हैं यूनिवर्सिटी अपनी ऊँचाई को छुए, जो भी आप लोगों से मदद हो इसमें आप मदद करें, ये हम लोग उन लोगों के पास प्रपोजल रखने जा रहे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस क्षेत्र में हम लोगों को सफलता होगा मिलेगी हमसे, कि अभी तक हम लोगों के पास कोई डेटाबेस नहीं है यूनिवर्सिटी का, इसीलिए हम लोग किसी को निमंत्रण कार्ड नहीं दिए हैं। हम लोग एक जनरल लेटर फ्लोट किए हैं मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, कि अगर कोई अलमुनाई है आप उनके कॉन्टेक्ट में जो भी हैं उनको वो प्रेरित करें कि आप आएँ अलमुनाई मीट में। ये नहीं सोचे कि मेरे पास इनविटेशन कार्ड नहीं है, तो किसी को हम लोग इनविटेशन कार्ड नहीं है, मैसेज के थ्रू जैसे भी दे रहे हैं, जिसको जो नॉलेज में उनको आ रहा है वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग आएंगे, इस तरह की कोई बातें नहीं है। तो हम उम्मीद करते हैं कि हम लोग शुरू में तो सोचे थे कि करीब 5,000 अलमुनाई आएंगे, लेकिन समय बहुत कम था, तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि 2,000 अलमुनाई यहाँ पर आएंगे, और 2,000 अलमुनाई में उसी तरह हम लोग व्यवस्था किए हैं, हर तरह की व्यवस्था, उनको दिन भर का जो भी इंटरटेनमेंट का प्रोग्राम है वो किया है, एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग होगा और जिसमें कि प्रपोजल ये सब हम लोग रखेंगे, और जो आउटकम होगा 9:30 से रजिस्ट्रेशन है। रजिस्ट्रेशन के साथ साथ 10:30 या इसे 11 के बीच में हम लोग का क्रिकेट मैच है, जो क्रिकेट प्लेयर पुराने वाले होते हैं तो एंजॉय करेंगे, जो क्रिकेट प्लेयर रहे हैं यहाँ के शिक्षक वर्सेस अलमुनाई, जो यहाँ के शिक्षक नहीं उसमें होगा। पैरेलल में उधर हौजी का प्रोग्राम है, उधर पंडाल बंडाल जाएंगे देखेंगे वहाँ, तो हौजी का प्रोग्राम है। इस तरह से म्यूजिकल चेयर, जितने भी इंटरटेनमेंट के जो साधन हो सकते हैं ऑन स्पॉट, इस तरह से हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और 3 से 5 हम लोग का एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग है, जिसमें इसके साथ हम लोग अलमुनाई इंट्रैक्शन भी रखे हैं, और जो भी रेजुलेशंस होंगे उसको हम लोग भी उसमें पास करेंगे। और उसके बाद शाम में हम लोग कल्चरल प्रोग्राम रखे हैं, जिसमें कि एक प्रोफेशनल को भी हम लोग रखे हैं, और साथ में जितने पुराने अलमुनाई हैं या इस साल के जो विनर्स रहे हैं कुछ कल्चरल इवेंट के, उनको भी हम लोग निमंत्रित किए, उन लोगों का प्रोग्राम होगा। हमारे पुराने अलमुनाई बहुत से अच्छे अच्छे कलाकार हैं, उधर से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है कि वो लोग आ करके अपना जो कला है वहाँ पर प्रदर्शित करें। इस तरह से होल डे का प्रोग्राम है, इंटरटेनिंग प्रोग्राम होगा, लोगों को कोशिश की जाएगी कि दिन भर रहें तो बोर नहीं हो।